नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास सर, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करे। ये वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोरेटोरियम रिलेटेड सर ने क्या क्या बातें बोली। हम आपको बता दें, सर ने पहले ही बोल दिया था कि जीडीपी जो है अपने देश का वो निगेटिव आने वाला है। जीडीपी जब भी निगेटिव आता है तो समझ जाओ कि अपने देश में रिसेशन आ सकता है। तो आरबीआई ने इसीलिए रिसेशन ना आए, इसलिए सर ने बहुत सारे डिसीजंस लिए। उसमें से हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं मोरेटोरियम। हम आते सीधा जंप लेते पॉइंट नंबर 6 पे। तो पॉइंट नंबर 6 पे सर ने बात बोली है कि मोरेटोरियम ऑन टर्म लोन इंस्टॉलमेंट। सर ने बोला है कि 27 मार्च को सारे कमर्शियल बैंक, जो भी रीजनल बैंक है, फिना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लोकल एरिया बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, इन एनबीएफसी है, इन सबको उन्होंने अलाउड किया था कि आप मोरेटोरियम पीरियड दो। मतलब अब उन्होंने बोला है कि ये जो मोरेटोरियम आपको मिला था 31 मई तक, वो आप एक्सटेंड होगा, वो और 3 महीना आपको मिलने वाला है। मतलब आपको मोरेटोरियम जो पहले था 31 मई को खत्म हो रहा था, वो आप अगस्त को खत्म होगा। 31 अगस्त को आपका मोरेटोरियम पीरियड है वो खत्म होगा। मतलब आपको ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होता रहेगा, आपको ईएमआई जो है वो भरने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने यहां पे बोली है। और इससे क्या होगा कि आपका लोन का, यहां पे इंपॉर्टेंट एक चीज सर ने बोली है कि आपका रिपेमेंट शेड्यूल जो है लोन का वो बदल जाएगा, आपके जो ड्यू डेट्स है वो बदल जाएंगे, आपके लोन का टेन्योर भी बदल जाएगा, वो सारा शिफ्ट हो जाएगा और 3 महीना से। ध्यान रखिएगा, मतलब आपका लोन अगर 12 महीने का है वो 15 महीना हो गया था, वो अब 18 महीना हो जाएगा। तो 6 महीना क्योंकि एक्स्ट्रा मिल रहा है, पहले 3 महीना मोरेटोरियम और अब 3 महीना और एक्स्ट्रा मोरेटोरियम, तो आपको 6 महीना मिलेगा। तो अगर आपका लोन 12 महीने का है तो 18 महीने का हो जाएगा, आपका टेन्योर लोन का बढ़ जाएगा। यहां पे सर ने वर्किंग कैपिटल लोन रिलेटेड भी कुछ बात बोली है। सर ने कहा है कि वर्किंग कैपिटल लोन है उनको अभी मोरेटोरियम अनदर 3 महीने से बढ़ा दिया है। हम आपको बता दें, पिछले बार भी जब अनाउंसमेंट हुआ था मोरेटोरियम 3 महीना का बढ़ा था, तो सारे लोन्स का बढ़ा था, इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड का भी बढ़ा था। तो ये बार भी क्रेडिट कार्ड का भी बढ़ सकता है मोरेटोरियम, आपको 3 महीना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है। अभी तक क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कोई बात सामने नहीं आई, आप बैंक के ऊपर डिपेंड है, आपकी बैंक इस पे क्या ध्यान देती है। तो इसके बाद सर ने एक बात बोली है, इंपॉर्टेंट बात बोली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 8, जहां पे सर ने बोला है कि जो वर्किंग कैपिटल लोन जो होता है उसका मतलब कैश क्रेडिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये वाले लोन में क्या हो रहा था, पिछले बार जो मोरेटोरियम उन्होंने दिया था तो लोगों को वन शॉट पेमेंट करने को बोला था, लोगों को बोला था कि 3 महीना बाद 3 महीने का जो इंटरेस्ट है उसका आप एक ही बारी में पेमेंट कर दो। ऐसा पिछले बार के मोरेटोरियम जब एक्सटेंड हुआ था तब बात हुई थी, लेकिन सर ने ये बार अनाउंस किया है। सर ने बोला है कि ये बार इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट जो है वो आपको वन शॉट नहीं भरना पड़ेगा। मतलब 31 अगस्त जैसे खत्म होगा तो आपको एक ही शॉट में 3 महीने का एकदम इंटरेस्ट नहीं भरना है, आपको वो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो टोटल किया आ जाएगा और वो फंडेड टर्म लोन में बैंक कन्वर्ट कर सकती है। मतलब आपको उसके ऊपर टर्म लोन बनाया जाएगा जो 3 महीने का इंटरेस्ट, मान लो कि 3 महीने का इंटरेस्ट है 10,000 के हिसाब से 30,000 रुपए, तो 30,000 का लोन पकड़ेगी बैंक, टर्म लोन पकड़ेगी, फंडेड लोन पकड़ेगी, और वो लोन का रीपेमेंट आपको करना है 31 मार्च 2021 के पहले। मतलब जो 3 महीने का इंटरेस्ट है उसको लोन में कन्वर्ट किया जाएगा और उसका रीपेमेंट जो है वो आपको करना है 31 मार्च 2021 के पहले। तो ये इंपॉर्टेंट बात सर ने बोली है। साथ ही साथ उन्होंने एसेट क्लासिफिकेशन रिलेटेड जो पुराने अनाउंसमेंट है वही किया है कि अगर आपका लोन रिस्ट्रक्चर होता है या फिर अगर आप ईएमआई नहीं भरते तो भी आपका क्लासिफिकेशन है वो डाउनग्रेड नहीं होगा, आप एनपीए में नहीं जाने वाले हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पिछले बार भी यही डिस्कशन हुआ था, हमने किया था अपने चैनल पे भी, आपसे चर्चा करी थी हमने। तो ये 3 महीना भी अगर आप नहीं भरते हो ईएमआई, मतलब पुराने 3 महीने 1 मार्च से लेके 31 मई तक और नए 3 महीने 1 जून से लेके 31 अगस्त तक, ये 6 महीना में आपने ईएमआई नहीं भरा तो भी आपको नॉर्मल एजिंग नॉर्म्स अप्लाई होंगे, आपको कोई एनपीए कैटेगराइज नहीं करने वाला है। अभी वर्किंग कैपिटल लोन आपको इजीली मिल जाएगा, ऐसा आरबीआई ने बोला है। आपको अगर नया लोन लेना है वर्किंग कैपिटल तो आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि बैंकों को आरबीआई ने बोला है
कि ड्राइंग पावर जो है वो आप कैलकुलेट करो, वो आपका मार्जिन रिड्यूस करो। ड्राइंग पावर मतलब जब बैंक आपको वर्किंग कैपिटल लोन देती है तो क्या करती है, आपके दुकान में जितना भी सामान है मतलब स्टॉक हम बोलते हैं उसका टोटल लेती है, आपके दुकान में जितने क्रेडिटर्स है मतलब आपके जितने देने हैं वो आप माइनस करते हो आपके स्टॉक से। मतलब मान लो कि आपके आपकी जूतों की दुकान है, आपके पास 1,00,000 रुपए के जूते दुकान में है, तो उसमें से आपने कुछ उधारी पे जूते खरीदे रहेंगे, तो मान लो कि आपके 40,000 रुपए उधारी के आपने जूते खरीदे, तो बचा बैलेंस कितना 1,00,000 माइनस 40,000 60,000 रुपए आपके पास बचेंगे। उसमें आपको जितने पैसे आने वाले हैं लोगों से वो मान लो 20,000 रुपए आने वाले हैं, आपने उधारी पे माल बेचा है लोगों को तो वो 20,000 आप ऐड कर दो तो हो जाएंगे 80,000 रुपए, तो 80,000 आपकी ड्रॉइंग पावर हो जाती है। तो बैंकों को बोला है आप ड्रॉइंग पावर जो है उसका मार्जिन जो है वो आप कम करो, क्योंकि बैंक जो होती है ड्रॉइंग पावर पे भी मार्जिन लगा देती है और 80,000 का आपको कम बोलती है और कम आप पैसे उठा सकते हो क्रेडिट आपके कैश क्रेडिट से, तो इसलिए बैंकों को बोला है आप मार्जिन जो है वो आप कम करो। तो ये सारे अनाउंसमेंट सर ने करे, हमने इंपॉर्टेंट बातें बोली है, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे बात है कि मोरेटोरियम जो है आपका और 3 महीना एक्सटेंड हो गया है। आपको 3 महीना ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है, आपको इंटरेस्ट जो है ब्याज जो है वो आपके अकाउंट में चार्ज होता रहेगा, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपका रीपेमेंट शेड्यूल वगैरह सारा एडजस्ट हो जाएगा, आपका टेन्योर जो है वो बढ़ जाएगा लोन का। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपको 3 महीना और मोरेटोरियम मिल रहा है। एनीवे आपकी इस बारे में क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा, जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।